पेन किलर से खा लो, दर्द कम हो जाएगा। हेलो मॉम। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? तो इस आवाज में बात क्यों कर रही है? नहीं मॉम, वो मैं एक्चुअली थोड़ा थक गई हूँ बस। अच्छा ठीक है। अब रोशनी, कल ना तुझे घर आना पड़ेगा, डॉक्टर आंटी आ रही हैं। अब ऑब्वियसली तुझे तो याद नहीं होगा, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो अगर तू आ जाए तो तुझे भी उन्हीं ने ही डिलीवर किया। एक मिनट, कौन डॉक्टर आंटी? आपने तो आज तक कभी किसी डॉक्टर आंटी के बारे में बात नहीं की। तू बहुत छोटी थी तो वो आउट ऑफ इंडिया चली गई। She was in touch with me. अब आ रही है वापस, और पता नहीं क्यों बस ऐसे कह रही थी कि तुझसे भी मिलना चाहती है, तो मैंने कहा ठीक है मैं बुला लेती हूँ। और हाँ, कल नहीं आ पाऊंगी मैं मॉम, वो कल एक कॉम्पिटिशन है ना। कॉम्पिटिशन के बाद आ जा। ओके मॉम, आई विल सी, आई मीन मैं आ जाऊंगी। ओके बेटा। अच्छा मैं अभी रखती हूँ, सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, टेक केयर। सो सो गए क्या? हाय मैं मर जा, अब मेरी बच्ची को चोट कब लगी? वो आग बुझाते हुए लग गई। मुझे माफ कर दे पुत्र, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं खाम खाए गुस्सा हो गई थी। वो क्या है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही ना, अब पगलाती जा रही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। तू गुस्सा मत करना पुत्र, है? मैं ना तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ, चोट ऐसे भाग जाएगी। नो नो बीची, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। पुत्र जरूरत कैसे नहीं है, ये पट्टी बांधी किसने? इधर उधर क्या देख रहा है, हैं? वेरी गुड, हाँ। ऐसे ध्यान रखा कर अपनी पत्नी का। वैसे भी पति का भी धर्म बनता है पत्नी की सेवा करना, हुँ? जब वो बीमार हो। और हाँ मेरी बात सुन, कल ना तुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ वो जो कल कंपटीशन हो रहा ना, पतियों ने भी भाग लेना उसमें। क्या मैं? क्यों? अरे मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया मतलब तूने आना ही आना है।